डिश आज का जो टॉपिक है वो है DSO, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। और अगर मैं AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं, जो इंजीनियरिंग साइंस सब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, KOE 038 एंड 048, ये उसका लास्ट टॉपिक है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। और ये डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप जो है वो 2 साल पहले आप लोगों को सिलेबस में ऐड किया गया था, इसके पहले ये सिलेबस में का हिस्सा नहीं था। ओके, तो पढ़ते हैं। ये नथिंग बट CRO का एडवांस वर्जन है, जो आपने CRO पढ़ा है ना, CRO का ही एडवांस वर्जन जो है वो DSO है। इसका भी काम वही है, सिग्नल को किसी भी टाइप के सिग्नल को डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे। एडवांस इसलिए है क्योंकि इसमें मेमोरी यूज हो रही है, तो मेमोरी यूज होने की वजह से इसको हम इसके जो सिग्नल्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में इजिली देख सकते हैं, जो हमें वहां पे मैनुअली मेजर करना पड़ता था, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वो हम ये कर सकते हैं। ओके, सो वी सी इट्स वर्किंग वन बाय वन। ओके, तो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का मतलब है डिजिटल सिग्नल को हम स्टोर करते हैं। ओके, तो लेट अस सी वन बाय वन। Here, what we'll do, you see that input signal, यहाँ पे जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, जैसे कि हम CRO में देते थे इनपुट सिग्नल, उस तरीके से एक इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं जो इनपुट अटेन्यूएटर एंड वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू पास करेगी। देखो, ये इनपुट अटेन्यूएटर एंड वर्टिकल जो एम्पलीफायर है, ये एक तरीके से ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब है कि ये यूज किया जाता है, ये किसी सर्किट में यूज कर सकते हो, जो भी ब्लॉक डायग्राम सर्किट्स है उसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि इस सिग्नल को अटेन्यूएट करने का यानी कि रिड्यूस करने का काम करता है, और ये एम्पलीफाई करने का मतलब बढ़ाने का काम करता है। ओके, तो ये इनपुट अटेन्यूएटर मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ को, अगर सिग्नल मेजरेबल रेंज में नहीं है, ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करेगा, और ये अगर सिग्नल वीक है तो उसको एम्पलीफाई करेगा। तो ये वर्टिकल एम्पलीफायर पोर्शन जो था वो वहां भी था, वर्टिकल सिग्नल्स को यानी कि वर्टिकल सेक्शन में जो सिग्नल आ रही है उसको क्या करने का काम करता था, एम्पलीफाई करने का काम करता था। और ये सेक्शन जो है इधर जो जा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जाएंगे, और इधर जो सिग्नल ग्रीन कलर से दिखा रखा हमने वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जा रही है। तो पहले हम देखते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो जो क्या क्या ब्लॉक्स लगे हुए हैं। इसमें एक ब्लॉक है सैंपल एंड होल्ड एंड ए टू बी कन्वर्टर। इन दोनों सर्किट को मिला के हम क्या करते हैं, जो एनालॉग इनपुट दे रहे हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, डिजिटल में सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक मेमोरी है, मेमोरी में हमें सेव करना होता है, क्योंकि अगर आपको किसी भी सिग्नल को मेमोरी में सेव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दोनों जो ब्लॉक्स मिलके क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को, जो हमारी सिग्नल कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा इसके दोनों के बारे में एक एक लाइन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ शॉर्ट में। और ये क्या करता है, फिर आपस में यहाँ पे आके मेमोरी में सेव हो जाता है, या मेमोरी में हम सेव भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस, है ना। और इसके बाद ये क्या होता है, ये यहाँ से जो सिग्नल निकलेगी, जो डेटा आउट लिखा हुआ है, वो सिग्नल जो होगी वो डिजिटल फॉर्म में होगी। इतना क्लियर है? ओके, अब आते हैं यहाँ पे सैंपल एंड होल्ड सर्किट का काम क्या होता है। सैंपल एंड होल्ड सर्किट जो होती है वो आप लोगों को पता है, सैंपलिंग करना, सैंपलिंग मतलब सिग्नल को सैंपल में डिवाइड करना। मेरी ये मान लो साइन वेव है, तो इसको मैं क्या करूंगा, कुछ सर्टेन सैंपल में डिवाइड कर दूंगा, मतलब इसका कुछ सैंपल लूंगा, और ये सैंपल का डिफाइनेशन ये होता है कितना सैंपल लेना है। मिनिमम जो सैंपल होता है वो सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी का 2 टाइम्स लेना होता है, मतलब मिनिमम जो होता है वो सैंपलिंग जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी, तभी जाके हमारा जो सिग्नल होगा वापस रिकंस्ट्रक्ट हो पाएगा। तो मैंने कुछ सैंपल लिया, जैसे मान लो एक सैंपल, ये इस पूरे सिग्नल में से जो कंटिन्यूस सिग्नल है इसमें लाखों पॉइंट्स है, उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिया, है ना, ये हमारी कहलाई सैंपलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग प्रोसेस बोलते हैं। मान लो कि ये मेरा बीचों बीच ये पॉइंट है, तो यहाँ से भी मैं कुछ लूंगा इस तरीके से, ये पॉइंट, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये सैंपलिंग पॉइंट्स कहला गया। ओके, अब अगर अब होल्ड का मतलब क्या हो गया, अब ये सैंपलिंग को अगर मैं कुछ देर के लिए होल्ड कर, जैसे मान लो इस पॉइंट को मैं अगर ऐसे होल्ड करूँ तो ये फ्लैट लाइन बन जाएगी। ये होल्ड कर लिया हमने, ये होल्ड कर लिया और ये होल्ड कर लिया, तो अगर मैं ये सारे मिलकर क्या बन गया, अगर मैं इसको शॉर्ट यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से बिल्कुल पल्स के फॉर्म में कुछ सिग्नल बन रही, यानी कि ये एक तरीके से नथिंग बट सिग्नल को पल्स के फॉर्म में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि सैंपल एंड होल सर्किट को मैं अगर सिंपल वर्ड में थोड़ा सा बताऊं तो इसका मतलब ये हो गया कि सैंपल एंड होल सर्किट जो हमारे एनालॉग सिग्नल है उसको पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इस तरीके से जो डॉटेड जो लाइन मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है वो सैंपल एंड होल सर्किट जो हमारी एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल उसको सैंपल के फॉर्म में, पल्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है दोनों मिलकर।
और जब ये पल्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब क्या करेंगे, इसको डिजिटल में यानी कि अब इसको क्वांटाइज कर देंगे, एक स्पेसिफिक को हम एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देंगे, यानी कि इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, कंप्लीटली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और अब ये डिजिटल जो होगा वो इजिली जो है वो मेमोरी में मेमोरी में सेव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिजिटल सेक्शन। अब आते हैं ये वर्टिकल सेक्शन में, यानी कि जो सिग्नल हॉरिजॉन्टल में जा रही है उस सेक्शन में आते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। अब इसमें भी ट्रिगर सर्किट है, आप लोगों को पहले भी सीआरओ में पढ़ा चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, ट्रिगर सर्किट मतलब सिंक्रनाइज करना। अगर मैं प्रॉपर ट्रिगरिंग नहीं कर पाऊंगा तो जो मुझे सीआरओ की स्क्रीन पर जो सिग्नल जनरेट होगी वो प्रॉपर जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो नहीं जनरेट हो पाएगी, साथ साथ में स्टेशनरी नहीं हो पाएगी, वो फास्ट मूविंग सिग्नल होगी या फिर वो आप उसको जो है कम्प्लीटली देख नहीं पाओगे। तो ट्रिगरिंग करना जरूरी है हर एक चीज को, जैसे ट्रिगरिंग का मतलब सिंक्रनाइज करना, यानी कि दो सिग्नल को एक साथ काम कराना। तो दोनों वर्टिकल प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट जब एक साथ एक्टिवेट होंगे, यानी कि एक साथ उसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो जाके हम जो सिग्नल है वो प्रॉपर सिग्नल देख पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ट्रिगरिंग सर्किट का यूज करते हैं, है ना। तो हम सिंपल वर्ड में इसको बच्चों को समझाते हैं कि व्हेन हॉरिजॉन्टल प्लेट एंड वर्टिकल प्लेट स्टार्ट एक्टिंग एट द सेम टाइम इज कॉल्ड नथिंग बट सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि दोनों सेम टाइम पे डिफ्लेक्शन को अगर ये करता है उसको ट्रिगरिंग सर्किट बोलते हैं। अब ये ट्रिगर सर्किट का आउटपुट किसको जा रहा है, कंट्रोल लॉजिक को, यानी कि ये ट्रिगर सर्किट किसको देगा, कंट्रोल लॉजिक। है क्या कंट्रोल लॉजिक, सिंपल वर्ड में सबसे आसान तरीके से एक मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि इसमें बहुत सारे ऑपरेशन ये करने में सक्षम है। इट कैन, यानी कि ये कंट्रोल कर रहा है सैंपल एंड होल्ड सर्किट को, यानी कि किस तरीके की सैंपलिंग करनी है आपको, इट विल बी डिसाइड बाय कंट्रोल लॉजिक। आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, डिजिटल फॉर्म में जो कन्वर्टन हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल लॉजिक करेगा। इसके बाद इसमें मेमोरी में आपको रीड करना है, राइट करना है, या दोनों करना है, रीड राइट करना है, वो भी डिसाइड किसके थ्रू होगा, कंट्रोल लॉजिक के थ्रू होगा। यानी कंट्रोल लॉजिक एक साथ ढेर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है पूरी तरीके से इन सारे डिजिटल परफॉर्मेंस को। हाँ, इसके बाद जो इससे सिग्नल निकलेगी, इसमें टाइम बेस्ड जनरेटर और एवरीथिंग इज स्वीपिंग ओवर जो है सब इसमें इंक्लूडेड है ना, इस कंट्रोल लॉजिक में। तो इसमें जो भी अब इससे सिग्नल बाहर निकलेगी वो अब डिजिटल फॉर्म में होगी, और ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को जा रही है इसलिए इसका नाम हमने दे दिया हॉरिजॉन्टल सिग्नल, या ये डिजिटल फॉर्म में होगी। और ये भी जो सिग्नल आ रही है वो भी डिजिटल सिग्नल है, इसलिए दोनों सेक्शन में, यानी कि वर्टिकल पे जो प्लेट पे जो सिग्नल जाएगी वो भी, और हॉरिजॉन्टल पे जो सिग्नल जाएगी वो भी, दोनों सिग्नल को मुझे डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस। क्यों करना पड़ेगा डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट, क्योंकि सीआरटी में जब मैं एनालॉग सिग्नल डिस्प्ले करूंगा वो एनालॉग फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी, और हमने यहाँ पे जो सिग्नल लिया है वो क्या है, वो डिजिटल फॉर्म में है, क्लियर है। इस वजह से मुझे एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ, अगर मुझे डिजिटल में भी डिस्प्ले कराना है तो देन हम दोनों पैरेलली रख सकते हैं, डिजिटल सिग्नल को भी रखेंगे और एनालॉग सिग्नल को भी रखेंगे। इसके बाद दोनों सेक्शन में वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर रखा गया है, क्योंकि जो सिग्नल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर जा रही है और जो सिग्नल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पर जा रही है उसको हम लोग एम्पलीफाई कर सकें कि अगर सिग्नल वीक है तो। एंड दिस इज द सीआरटी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैथोड रे ट्यूब, जहां पे कि सिग्नल को डिस्प्ले करने का काम किया जाता है, क्लियर है। तो ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, विच इज द एडवांस वर्जन ऑफ सीआरओ। हाँ, इसमें ये तीन मोड में काम, पहले हम सीआरओ को सिर्फ एक ही मोड में काम कराते हैं कि वो मतलब हम सिग्नल को डिस्प्ले करने काम करते हैं, उसमें अगर कोई सिग्नल फास्ट वायरिंग है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको चेक करना, या उसमें सिग्नल को स्टोर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसकी सर्किट कॉम्प्लेक्स है। हाँ, अगर आप बहुत सारे नेट पे सर्च करोगे या बुक्स देखोगे तो डिफरेंट टाइप के आपको ब्लॉक डायग्राम मिलेंगे, मुझे ये सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम लगा इसलिए मैंने आप लोग को इसको समझाया है। लेकिन हाँ, सारे जो आपको सर्किट मिलेंगे, ब्लॉक डायग्राम मिलेंगे, ऑलमोस्ट उनकी फंक्शनलिटी करीब करीब यही रहेगी। ओके, अब इसको जो मोड ऑफ ऑपरेशन है उसको देख लेते हैं, और थोड़ा आप लोग एग्जाम में इसको लिखना कैसे है उसको हम लोग देखते हैं, ताकि आप, क्योंकि मेनली ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 10 मार्क्स में, उसको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। इसको तो वन बाई वन हम स्टेप बाई स्टेप थोड़ा एक एक लाइन में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डिजिटल फॉर्म ऑफ मेजर्ड वेव फॉर्म सिग्नल, यानी कि हम डिजिटल फॉर्म में इसको स्टोर कर सकते हैं। DSO is the advanced form of CRO with overcome of drawback of CRO. जो CRO में कुछ drawbacks थी कि हम स्टोर नहीं कर सकते थे, fast wiring signal को देखने में प्रॉब्लम आती थी, उन सबको ओवरकम करने के लिए DSO जो है उसका advanced form है। The input waveform is applied to the input attenuator and vertical amplifier to bring the signal into the measurable range. Measurable range में लेके आने के लिए input waveforms and attenuator कर सकते हो, input attenuator and vertical amplifier section का use करते हैं। The amplified input waveform vertical amplifier is passed through the sample and hold circuit and analog to digital converter.
यानी कि जो वर्टिकल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो पास करेगा सैंपल एंड होल्ड सर्किट में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करता है, सैंपल्स द इनपुट सिग्नल एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है, डिजिटाइज कर देता है द इनपुट वेवफॉर्म टू क्रिएट द डेटा सेट विच इज टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी, है ना। तो सैंपल एंड होल्ड जो है वो सिग्नल को सैंपल में कन्वर्ट करता है और यानी कि पल्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इनपुट जो ए टू डी कन्वर्टर है वो क्या करता है, सिग्नल को डिजिटाइज कर देता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब वंस डेटा इज स्टोर्ड इनटू द मेमोरी तो मेनी मैनिपुलेशंस आर पॉसिबल एज मेमोरी कैन बी रीड आउट और विदाउट बीइंग इरेज्ड, यानी कि सिग्नल को हम सेव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जो सिग्नल जा रही है उसमें, तो द डेटा सेट इज प्रोसेस्ड बाय द कंट्रोल लॉजिक। अब जो ट्रिगर सर्किट के थ्रू जो सिग्नल कंट्रोल लॉजिक में जा रही है तो विच इज बेसिकली वर्क एज ए मिनी कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर एक तरीके से है, और कंट्रोल लॉजिक जो होता है वो कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ सैंपल एंड होल सर्किट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड मेमोरी यूनिट, है ना। इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल लॉजिक के थ्रू होता है। ओके आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन शॉर्ट में आप लोगों को थोड़ा सा लिखना कैसे है उसको मैं बता दे रहा हूँ। देन आफ्टर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट लाइन पे। तो द रीड राइट ऑपरेशन देख सकते हो, द रीड राइट ऑपरेशन इन द मेमोरी डिवाइस इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द मेमोरी यूनिट ओनली एंड कंट्रोल यूनिट ओनली, दिस इज कंट्रोल यूनिट। एंड द टाइमिंग एंड मोड लॉजिक इज यूज टू डिसाइड द टाइमिंग एंड मोड ऑपरेशन। इसमें किसी किसी इसमें टाइमिंग एंड मोड लॉजिक भी लगा हुआ होता है जो कि आपको डीएसओ की मोड ऑफ ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल लॉजिक एंड ट्रिगर सर्किट को कंट्रोल करता है। अब डिजिटल फॉर्म ऑफ द मेमोरी एंड कंट्रोल लॉजिक इज देन कन्वर्टेड इनटू अगेन एनालॉग फॉर्म टू पास्ड थ्रू वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर रिस्पेक्टिवली। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिग्नल इज फेड टू द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट ऑफ सीआरटी ऑफ सिग्नल एंड विल बी डिस्प्लेड इनटू द सीआरटी स्क्रीन। जो मैंने पहले बताया था उसी को एक एक लाइन में हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आप लोग को लिखने में आसानी। अब आते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन में। अब इसका जो तीन मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, यानी कि जो डीएसओ है तीन मोड में काम करता है, एट ए टाइम किसी एक मोड में हम काम करेंगे, या तो वो रोल मोड में काम करेगा, या स्टोर और रिफ्रेश मोड में काम करेगा, या होल्ड और सेव मोड में काम करेगा। तो तीनों को एक एक दो दो लाइन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है तीनों मोड में इसका ऑपरेशन। क्लियर, तो तीनों मोड में ऑपरेशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोल मोड का काम। तो रोल मोड में क्या होता है कि सिग्नल, नाम है इसका रोल मोड, तो इसमें वेरी फास्ट वेरिंग सिग्नल को हम लोग क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, इन रोल मोड फास्ट वेरिंग सिग्नल इज डिस्प्ले इन स्लो मोड, यानी कि जब बहुत तेजी से कोई सिग्नल जा रही है और किसी एक पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आ रही है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो उसको मैं स्लो मोशन में करके रोलिंग करके और उसको हम स्क्रीन पे इजिली देख सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, इन दिस मोड द इनपुट सिग्नल इज नॉट ट्रिगर एट ऑल, यानी कि जो इनपुट सिग्नल है उसमें हम ट्रिगरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें हम वर्टिकल सेक्शन को हम रोलिंग करके आराम इजिली जो है वो देख सकते हैं। और द स्टोर सिग्नल इज रोल्ड स्लोली फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट अक्रॉस द स्क्रीन, सो दैट हम सिंपली रोलिंग का मतलब हो गया कि हम सिग्नल स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, स्लो मोशन में, स्लो मोड में देख पाएंगे। अब आते हैं सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो स्टोर और रेफरेंस मोड। इस मोड में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज मोड होता है डीएसओ में। ओके, इस मोड में क्या करते हैं, द इनपुट सिग्नल इनिशिएट्स द ट्रिगर सर्किट, जो ट्रिगर सर्किट इस केस में इनिशिएट होती है, एंड द ट्रिगर सर्किट इनिशिएट द मेमोरी राइट साइकिल, क्योंकि कंट्रोल लॉजिक के थ्रू अब ये ट्रिगर सर्किट कंट्रोल लॉजिक को ट्रिगर करती है और ये जो होता है वो मेमोरी राइट साइकिल को इनेबल कर देता है, यानी कि मेमोरी में जो भी जाएगा वो लिखा जाएगा। एंड द डिजिटल डेटा इज स्टोर इन टू द मेमोरी, यानी कि अब जो भी कुछ आएगा वो क्या करेगा, मेमोरी में राइट होते जाएगा। When the memory is full, the write operation is stopped. तो उसमें केस में क्या होगा, राइट ऑपरेशन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। एंड डिजिटल टू एनालॉग सर्किट कन्वर्ट्स द स्टोर्ड डेटा इन टू द एनालॉग फॉर्म विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ सीआरटी, यानी कि इस केस में सिंपल वर्ड में वापस जो है हम जो ऑपरेशन है डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करके सीआरटी पे दिखाना, वो तो सब में कॉमन ही है, इसमें ये कोई अलग नहीं है। लेकिन जब आपका नेक्स्ट ट्रिगरिंग अगर होगा उस केस में क्या होगा, मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी और फिर नेक्स्ट राइट साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब मेमोरी फुल हो जाएगी तो ये क्या होगा, इसको रिफ्रेश कर देगा और दोबारा से आपका राइट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इस केस में क्या होता है, जो भी आप सिग्नल डिस्प्ले करा मतलब आप मेजर करते हो वो सारा स्टोर होते जाता है। क्लियर है। अब आते हैं होल्ड एंड सेव मोड, लास्ट है। इसमें क्या करते हैं, इसको ऑटोमेटिक रिफ्रेश मोड भी बोलते हैं, यानी कि
इस केस में क्या होता है कि जब न्यू स्वीप सिग्नल अराइज होती है टाइम बेस्ड जनरेटर के थ्रू यानी कंट्रोल लॉजिक के थ्रू, तो ओल्ड कंटेंट ऑटोमेटिकली ओवर राइट हो जाता है, यानी कि जो भी, जैसे मान लो कि मैंने पहली सिग्नल देखा वो मेमोरी में सेव हो गई, जैसे दूसरी सिग्नल आई तो वो इरेज होकर नई सिग्नल जो है मेमोरी में जो है स्टोर हो गई, तो जो प्रीवियस सिग्नल जो होती जाती है वो क्या हो जाती है स्टोर, मतलब खत्म होती जाती है। अगर मान लो किसी मुझे पार्टिकुलर सिग्नल को सेव करना है भाई ये जो ओवरराइट ना हो, तो मैं क्या करूंगा होल्ड एंड सेव मोड को मैं प्रेस कर दूंगा, तो जो ओवरराइटिंग स्टोर हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी और जो प्रीवियसली सेव जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा लॉक हो जाएगा, यानी कि वो सिग्नल जो है वो डिलीट या ओवरराइट नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली कह सकते हो कि फॉर सिग्नल शॉर्ट इवेंट्स विच इज ट्रांजिएंट इन नेचर एंड वेरी क्विकली डिसअपीयर सिग्नल को हम क्या करते हैं हम सेव कर लेते हैं, और इसमें होल्ड एंड सेव मोड के उसमें होल्ड एंड सेव मोड का की जरूरत पड़ती है। तो इस शॉर्ट में बता दूं रोल मोड क्या करता है, वेरी फास्ट वेरिंग सिग्नल को स्मॉल वेरी फास्ट वेरिंग सिग्नल को हम स्लो मोशन में देख सकते हैं। स्टोर एंड डिफेंस मोड में जो भी हम सिग्नल देखेंगे वो सारी स्टोर होते जाएगी। होल्ड एंड सेव मोड में किसी पर्टिकुलर सिग्नल को मुझे सेव करना है तो मैं ये बटन ये कर दूंगा, वो सिग्नल जो होता है सेव हो जाएगी और रिमेनिंग जो सिग्नल होगी वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट होते जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट डीएसओ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा एग्जाम में लिखना कैसा है, क्या क्या लिखना है उस हमें 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, एंड उसके ब्लॉक डायग्राम्स में क्या क्या मेन ब्लॉक को हमें इंक्लूड करना है। दिस इज फ्रॉम माई साइड, एंड अगर इसके बावजूद भी आप लोगों किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझसे पूछिए, आई विल ट्राई टू हेल्प एज सून एज पॉसिबल। Thank you, everyone.